क्लास शुरू होगा, तो कीबोर्ड क्लास के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहला जो चैप्टर है वो हम बता रहे हैं आपको, आप लोगों को एक्चुअली कितना स्केल्स है पहले जानना पड़ेगा, और स्केल का बेसिस में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए ये एक कीबोर्ड है, ये पांचों ऑक्टेव का कीबोर्ड है। ऑक्टेव किसको बोलते हैं, 12 स्केल एक ऑक्टेव होता है, मतलब सी टू बी, सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए बी फ्लैट बी और सी फिर से चालू हो गया। तो जब हम लोग सी का सरेगामा बजाएंगे तो उस टाइम में लेफ्ट हैंड में हम लोगों को कुछ काम है तो वो काम करना पड़ेगा। तो क्या क्या होता है तो आप लोग नोट कर लीजिए, सी का स्केल का जो होता है सी मतलब सारेगामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सब नीचे में है, मतलब सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो ये है आठ नोट, सात नोट और सा में लास्ट नोट है आठ नंबर। तो इसका साथ साथ हम लोगों को लेफ्ट हैंड क्या करना पड़ेगा तो वही हम दिखा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, ये पूरा 12 स्केल में हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए ये दो ब्लैक रीड का पहला जो रीड है ये है सी, तो इधर भी हम लोगों को करना क्या चाहिए, जब हम लोग इस ऑक्टेव में बजाएंगे तो एक ऑक्टेव छोड़ के इस ऑक्टेव में हम लोगों को सारेगामा बजाना चाहिए। तो पहले देखिए हम लोग दो हाथ में अगर बजाएंगे ये सी मेजर स्केल, और उसके बाद सी शार्प जाना पड़ेगा, इसका चेंज हो जाएगा, उसके बाद डी, तो ऐसा ऐसा करके होता है। तो पहले हम लोग बिगिनर्स में सी करते हैं, फर्स्ट जो है सी के लिए जब हम लोग सा इधर दबाएंगे तो लेफ्ट हैंड में सा रहेगा, उसके बाद जब रे करेंगे लेफ्ट हैंड में जी हो जाएगा, तो उसके बाद गा जब करेंगे सी आएगा, मा जब करेंगे एफ आएगा, पा जब करेंगे सी आएगा, धा जब करेंगे एफ करेंगे, उसके बाद जी करेंगे, उसके बाद सी करेंगे, मतलब सी जी सी एफ सी एफ जी सी सी जी एफ सी एफ सी जी सी। ये इसका अलग से राइट हैंड में फिंगरिंग होता है, तो फिंगरिंग अभी हम नहीं दे रहे हैं, तो पहला एक स्केल दे रहा है, उसके बाद सी शार्प, मतलब ये सी मेजर स्केल पहले आप लोगों को बजाना पड़ेगा, और इसका साथ जितना जल्दी हो सके आप लोग काम कर सकते हैं, इसको रिदिम में डालिए, रिदिम कर देते हैं हम लोग 8 बीट मॉडर्न कर देते हैं, उसके साथ एकॉम्पनी ऑन कर दीजिए, जल्दी हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए, टेम्पो को बढ़ा के, टेम्पो को कम में प्रैक्टिस करके उसमें उसके बाद टेम्पो को बढ़ाना होगा, टेम्पो को बढ़ा के मान लीजिए हम 92 में कर रहा था अभी इसको बढ़ा दिया, क्योंकि आप लोग देखिएगा तो लेफ्ट हैंड चलेगा तो राइट हैंड नहीं चलेगा, राइट हैंड चलेगा तो लेफ्ट हैंड बंद हो जाएगा। इस टाइम में आप लोगों को थोड़ा ध्यान से ये दोनों को पूरा एक साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, एक साथ सिंक्रोनाइज जब होगा उसके बाद आप लोग इसको कर पाएंगे, और बाद में हम लोग आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे। तो आज के लिए जो है बेसिकली सी मेजर स्केल के ऊपर हम लोग सारेगामा प्रैक्टिस करेंगे, टोटल 12 स्केल है। और एक तरीका हम बोल दे रहे हैं, जिस लोगों को कीबोर्ड बजाना आता नहीं है वो लोग एक काम कर सकते हैं, तो कीबोर्ड के ऊपर लिख कर रखिए ए सी नोट ए डी नोट, ए लिख कर मतलब छोटा छोटा स्टिकर मार दीजिए, छोटा छोटा स्टिकर दे दीजिए, इसमें भी दे दीजिए, मतलब सी का साथ सी होगा, डी का साथ जी होगा, फिर ई का साथ सी होगा, एफ का साथ एफ होगा, जी का साथ सी होगा, ए का साथ एफ होगा, बी का साथ जी होगा, उसके बाद सी का साथ सी होगा। तो पहले तो आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा सी है कौन सा बी है कौन सा ई है, तो इसीलिए छोटा छोटा स्टिकर मार दीजिए, तो जैसे कि ये प्रैक्टिस चालू रहे। और जिसका ताल नहीं है उसके लिए कीबोर्ड होगा नहीं, मतलब
ताल में बजाना पड़ेगा, जो ताल में नहीं बजा पाएंगे तो उसको कीबोर्ड बजाना आएगा नहीं। तो ठीक है, एक स्केल मतलब आप लोग नोट कर लीजिए, सारेगामा पाधानी से सानी धपा मागरे से, उसके साथ सी जी सी एफ सी एफ जी सी, फिर बैक में सी जी एफ सी एफ सी जी सी। तो ये पहला लेसन है, ये पहला कर लीजिए। इसके बाद हम दो तीन लेसन देंगे, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है हमको बोलिए। एक्चुअली ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी हमको जानना चाहिए। तो थोड़ा एक बार देख लीजिए प्रैक्टिस करके, और बहुत जल्दी थोड़ा कुछ आएगा, मतलब थोड़ा कुछ लेसन आएगा जिसके वजह से आप लोग बहुत जल्दी कुछ गाना बजा सकते हैं। तो ये आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद 12 स्केल हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे तीनों स्केल, मतलब तीनों कॉर्ड लेके, कॉर्ड्स के ऊपर बोलेंगे कि कौन सा कॉर्ड है, क्योंकि बहुत सारा हम देखा है जिसका साथ हमारा बात हो रहा है तो वो लोग गाना तो कंपोज कर रहे हैं मगर कॉर्ड का कंसेप्शन नहीं है। तो कॉर्ड कौन सा कॉर्ड होना चाहिए, तो मान लीजिए हम एक गाना बजा रहा है तो इसका जो कोई भी एक गाना, कॉन्सेप्शन होना चाहिए। कॉर्ड का कॉन्सेप्शन होने के लिए ये जो हम रेगुलर बेसिस में आप लोगों को देंगे नोटेशन नहीं है, जो क्लास देंगे तो क्लास फॉलो करना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है। तो आज हम एक स्केल में दिया है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सी स्केल में दिया है। तो बाद में नेक्स्ट जब हम कीबोर्ड का लेसन देंगे उस टाइम में हम और दो तीन एक साथ दे देंगे, क्योंकि 12 स्केल को हम लोगों को कंप्लीट करना है। उसके बाद कॉर्ड्स के ऊपर कंसेप्शन डालना है, एक दो तीन, मतलब तीनों तीनों करके सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा धा रे सा, ऐसे टाइप में हम लोग करेंगे। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, और जो जो मान लीजिए जो जो आप लोगों को चाहिए कॉर्ड्स का कंसेप्शन और स्केल का कंसेप्शन जो चाहिए वो हमको कॉमेंट में डालिए, कॉमेंट में हम आपको आंसर दे देंगे। तो इसका साथ साथ तो आपका कीवेस निवेंडो एबल्टन लाइव सब चल रहा है, मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्रेनिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो कॉल्स भी बहुत सारा आ रहा है। तो सभी के लिए एक ही बात है, तो रात में अगर कॉल कीजिएगा तो अच्छा है 10 बजे के बाद, और हमारा जो 700 जो नंबर है जो स्क्रीन में लिखा हुआ है उस पर कॉल करिए, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, पहले आप इसको देख लीजिए, देख के एक स्केल हम दिया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड सिंक्रोनाइज करने का मतलब जो लोगों को कीबोर्ड आता नहीं है पहले होगा नहीं, आप लोग थोड़ा बोर मत होइए, क्योंकि ये तो करना ही है, ये ग्रामर है, ये करने का बाद हम थोड़ा थोड़ा करके क्लास देंगे, तो उसमें बाद में हम लोग नोटेशन भी देंगे कौन सा गाना का क्या नोटेशन है, वो कैसा टाइप का बजाना चाहिए, तो वो भी हम लोग दे देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका सामने पहली बार हम लाइव हुआ है तो आप लोग हमारा चैनल को देख रहा है, बहुत अच्छा हमको भी लग रहा है, तो बहुत सारे लोगों के साथ बातें भी हो रहा है। तो अगेन थैंक यू हमारा चैनल देखने के लिए। तो ये नया आज से चालू हो रहा है तो कीबोर्ड लेसन, तो आपको कैसा लग रहा है वो हमको कमेंट में डालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।